guys, welcome back to my channel Lifestyle with Shonchurita. So happy Diwali. Shabbat Shalom. Happy Diwali. So आज इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि सुबह तो ऐसे यूजुअल जैसा दिन जाता है वैसा ही गया, और अभी काली पूजा तो शाम को ही है, दीपावली मतलब सजाना दिया लगाना सब कुछ शाम को ही होता है, इसलिए शाम से ही आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो सब। तो चलिए दिया सारे अभी जला लेती हूँ और कुछ हम लोग डेकोरेशन के बारे में सोचे हैं ना। हाँ, तो सिंपल सा कुछ डेकोरेशन हम लोगों को करना है। चलिए शाम हो गया है, टाइम भी हो गया अभी 6 बजे का, तो सारे दिया वगैरह जला लेते हैं। छोटे से मिनिमम यहाँ पर हमने सजाया है, रंगोली लेने का मनाने का रिस्क नहीं लिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस की भी ज़रूरत है, और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक नहीं बनाया है तो प्रैक्टिस वगैरह भी कुछ नहीं है, पता नहीं कैसा बनेगा, इसलिए फूलों से ही थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। और उसके साथ बहुत आज हवा चल रहा है, हम लोग यहाँ पर पहरा दे के बैठे हैं कि बुझने से पहले फिर मतलब दिया को जलाए रखना है और फ्लोटिंग कैंडल को भी जलाए रखना है जब तक कैंडल है। सो पटाखा फोड़ने से पहले स्नैक्स टाइम, चलो अकेले बता दे ना, तो हमार बंधु के बड़े टे बड़ो और समझा भी विराट कोहली था जोर पर से रोहित शर्मा तो बोल मत मारो, अबे हमें भेंगे दी अच्छा। Oh, oh, oh.
पटाखा फोड़ना हो गया, उसके बाद अभी 9:30 बज रहा है और हम लोग अभी निकल रहे हैं। बस पैदल ही आसपास में 2-3 जगह पूजा हो रहा है, वहाँ पर जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि सब लोग मिलके हम लोग जा रहे हैं। पोगो भी है, ओइशी भी है, तो ठंड लग जाएगा उन लोगों को। पैदल ही थोड़े दूर जाएंगे और फिर उन लोगों को घर पर रख कर फिर निकलेंगे थोड़ा आसपास जो है देखने के लिए। हाँ, और खिचड़ी खाने का भी प्लान है आज, तो देखते हैं कितना कितना हो पाता है, क्योंकि माँ को भी जाना है। माँ उपवास करके है कर रही है, तो पुष्पांजलि देने भी जाना है माँ को, देखते हैं कितना हो पाता है। फाइनली 4 फानूस बर्बाद होने के बाद सक्सेसफुली डन हुआ है। सो हम लोग अभी निकले हैं रात को। मैं और इरफान, जोजो, दादा और हम 5 लोग अभी निकले हैं शमशान काली जो है वो घूमने, और खिचड़ी खाना है वहाँ पर। रात के 1 बजे खीर खत्म हो गया है। हम लोग आने में देर कर दिए तो खीर नहीं है। बस ये भी बहुत टेस्टी है। सो एवं तिलकोल बड़ा, अभी हम लोग बोंगाबड़ी कालीगढ़ में आए थे शमशान काली में, यहाँ पर तो हो गया देखना घूमना और खिचड़ी भोग खाना, और हम लोगों को पायस भी मिल गया है। रातें शुरू करे और अभी रात के 1:30 बजे हम लोगों को फुचका खाने का क्रेविंग हुआ है। मतलब आंखों के सामने फुचका गाड़ी है और हाँ थोड़ा बहुत ही खाएंगे, ज्यादा नहीं बट खाएंगे तो जरूर। Thank you.
यहाँ पर भी दर्शन हो गया माँ काली का, और यहाँ पर भी भोग प्रसाद चल रहा है, खिचड़ी सब्जी पायस वगैरह, बट हमारा पेट हम लोगों का फुल हो गया है सो नहीं, और हम लोग खाए अभी बस घर जा रहे हैं, 2 बज गया है। तो व्लॉग को भी यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ क्योंकि घर जाके बस सो जाना है, कल फिर से नया एनर्जी लेके क्योंकि एक अभी 3 दिन पूरा चलेगा कुछ ना कुछ मतलब बहुत कुछ एक्चुअल में। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, गुड बाय।